Good morning, dear students. Good morning, dear students. Meri voice clearly aa rahi hai sabko? Am I visible and audible to everyone? Yes, Brijesh, Gurucharan. Voice aa rahi hai meri properly? गुड मॉर्निंग राम कुमार गुरुचरण ब्रजेश कहा है भाई बाकी लोग ओके सो गाइस Welcome to Unacademy, India's largest online learning platform and join Unacademy right now. If you're joining Unacademy, you will be getting daily live classes. In live classes, mein aap lively apne doubts ko educator se pooch sakte hain, apne jo bhi queries unko clear kar sakte hain. Aap peer group discussion mein participate kar sakte hain. You will be getting a structured course. The structured course matlab hota hai ki pura structured course isme hai, jisme ekdam organized lecture plan ke according aapki तैयारी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कराते हैं यहाँ पे एजुकेटर्स यू विल गेटिंग लाइव टेस्ट एंड क्विजेस इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में पार्टिसिपेट करके आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग और इसके साथ साथ अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस देख सकते हैं एंड यू विल गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है सिंगल सब्सक्रिप्शन से पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन इसमें आपकी होती है इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जो है आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं तो किसी भी चीज के लिए कुछ एडिशनल आपको कहीं से पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है यू विल गेटिंग क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी और अपने पसंद के एजुकेटर से आप अपने टाइम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्लासेस को ले सकते हैं ओके सो कोर्सेज लाइक पॉलिटी हिस्ट्री करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी इकोनॉमी ईच एंड एवरी पार्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एसे हर कॉम्पोनेंट यूपीएससी का जितना है यहाँ पे कवर किया हुआ है डिटेल में to ensure कि मैक्सिमम आपका आउटपुट निकल सके इसमें से सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर इज 44,000 एंड सब्सक्रिप्शन फॉर टू ईयर्स इज 64,000 बट आई वुड रिकमेंड टू सब्सक्राइब फॉर टू ईयर्स क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आपको मिनिमम टू ईयर्स का टाइम लगता ही लगता है तो ऐसे में बेटर है कि कम से कम दो साल वाले सब्सक्रिप्शन का प्लान करें वेन यू अप्लाई वन ऑफ दिस कोड इन दोनों में कोई भी आप एक कोड अप्लाई करते हैं चाहे GG10 या फिर SPG10 आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड आपकी जो फी हो जाएगी डेट विल 57,600 रुपीज ओके सो इन दिस केस आई विल बी अ पर्सनल मेंटर इफ यू आर यूजिंग दिस कोड तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं आपको कोई आंसर लिखा तो आप उसे चेक करवा सकते हैं ओके या मुझसे फीडबैक ले सकते हैं उस चीज पे एंड दीज कोर्सेज आर नाउ अवेलेबल ऑन EMI ऑल्सो दीज कोर्सेज आर नाउ अवेलेबल ऑन EMI ऑल्सो सो जस्ट जॉइन इट राइट नाउ माई सेल्फ गौरव गुप्ता आई एम ऑथर मेंटर एंड मोटिवेटर एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 years currently associated with various prestigious institutes in Delhi. This is my Telegram channel, this is my Facebook ID and this is my contact number. This is my contact number. If you have any doubt related to preparation, related to strategy, anything, just contact me directly on this number. Okay guys, yeah, Shirisha, good morning, Guru Charan, good morning. Yeah, good morning, Sushil. I'm better now, but not full, completely better okay yeah good morning srishti rita ram kumar guru charan sab log jara apni attendance laga lo good morning ashutosh good morning ashutosh ओके सो
Today's chapter is chapter number 21 of G.C. Leong. The warm temperate eastern margin is from China type of climate. We call it. This is also known as China type of climate. Okay. So, अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट तो किस साइड में मिलेगा, ये कॉन्टिनेंट से कौन से साइड में मिलेगा, वेस्टर्न साइड पे या ईस्टर्न साइड पे? यस प्लीज टेल मी. यस ईस्टर्न साइड. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ट्रेड विंड्स का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस है वो इस साइड पे काफी हमें देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्या है, इस सब एरियाज में जो है बारिश काफी अच्छी खासी हो जाती है. ओके यस यस प्रियांश कुमार बिल्कुल, ये हमें किधर मिलेगा, ईस्टर्न साइड पे. तो आप देखोगे जैसे कि इसको नॉर्थ अमेरिका साइड में हम गल्फ क्लाइमेट भी बोलते हैं, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में ऐसा क्लाइमेट काफी देखने को मिलता है. ठीक है, इसके अलावा नटाल टाइप यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये भी नटाल टाइप हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे ये चाइना टाइप. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Yes, consider the following statement. Number one, China type of climate is found on the eastern margins of continents in warm temperate latitudes just outside the tropics. Second, it has comparatively less rainfall than the Mediterranean climate in the same latitudes. So choose the correct code. Very good. Naeem, Srishti, Ragini, Priyansh Kumar. Very good. So, हमने देखा कि it has comparatively less rainfall than the Mediterranean climate in the same latitude. ये पता ही चल रहा है कि obviously it is the incorrect statement, क्योंकि Mediterranean side western side पे पड़ जाता है और वहां पर rainfall कम होती है, वहां पर rainfall ज्यादा नहीं होती, यहाँ पर rainfall कम होती है. और ईस्टर्न साइड पे क्योंकि ये लोकेटेड है तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये ज्यादा होता है ईस्टर्न साइड पे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स. यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है. वेरी गुड वेरी गुड वर्षा, गुरुचरण, रीटा. सो इट हैज कंपैरेटिवली मोर रेनफॉल देन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन द सेम लैटिट्यूड कमिंग मेनली इन द समर. इट इज इन फैक्ट द क्लाइमेट ऑफ मोस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट. इट इज डज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्परेट मॉनसून ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, इसी वजह से इसको हम जो है टेम्परेट मॉनसून या मॉडरेट मॉनसून इस तरह के नाम भी दिए गए, टेम्परेट मॉनसून ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं. ओके इसमें क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सतविंदर, मोहित मित्तल, आशुतोष, वर्षा, रीटा, गुरुचरण, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में?
चले आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इन साउथ ईस्टर्न यूएसए, इन साउथ ईस्टर्न यूएसए बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको, कॉन्टिनेंटल हीटिंग इन समर इंड्यूसेस continental heating summer induces an inflow of air from the cooler Atlantic Ocean. Second, it is sometimes referred to as the Gulf type of climate. Choose the correct code. Yes, it is sometimes referred as the Gulf type of climate. Abhi maine baat kari hai aapse isi bare mein. Yes. ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला जो रीजन है वहां पे भी यही चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है और इसको लोकली वहां पे बोलते हैं गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको लोकली वहां पे क्या बोलते हैं? गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी मैंने डायग्राम में आपको शो करा था सबको। ओके, तो यस, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर इट विल बी ऑप्शन सी, इट विल बी ऑप्शन सी। बिल्कुल, यहां से गल्फ स्ट्रीम जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से बेसिकली गल्फ स्ट्रीम जाती है और फिर आगे ऊपर जाके उसको लैब्राडोर करंट मिलती है। तो गल्फ स्ट्रीम एक वार्म वाटर करंट है और जो लैब्राडोर करंट है एक कोल्ड वाटर करंट है। दोनों वहां पे मिलते हैं तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉगी कंडीशन प्रिवेल करती है ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड। और ये जो रीजन है, ये डॉगर्स बैंक, न्यूफाउंडलैंड, ये सब रीजन जो है ये वर्ल्ड के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स है। बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है फिशेस को यहाँ पे जो है कैच किया जाता है, फिश कैचिंग की जाती है। ओके, सो दो लेस प्रोनाउंस्ड द ओवरऑल क्लाइमेटिक फीचर रिजेंबल्स दोज ऑफ द चाइना टाइप, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां तक क्लियर है सबको? Yes. चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड अलोंग द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न कोस्टलैंड्स ऑफ ऑल द थ्री कॉन्टिनेंट्स। इन साउथ वेल्स, नटाल एंड पराना परागुए उरुग्वे बेसिन इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज। लेंदी क्वेश्चन है। यस, डॉगर्स बैंक लेंदी क्वेश्चन है ये थोड़ा, ठीक है, पढ़ने में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन इसका आंसर बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो यूपीएससी ने आजकल ऐसे ट्रेंड बना रखे हैं, हर साल लगभग 3-4 क्वेश्चन को किसी न किसी एरिया से निकाल के दे रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी से भी हो सकता है, वो ज्योग्राफी से भी हो सकता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से भी हो सकता है। ओके, यस, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड पल्लवी, ब्रजेश, नईम, रुद्रानी, सुशील कुमार, गुड गोइंग गाइस। सो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ये नटाल टाइप, जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाया था वहीं पे मैंने इनसे रिलेटेड चीजें आपको बता दिया था। ओके, वहीं पे मैंने इनसे रिलेटेड चीजें आपको पहले ही बता दिया था। इट इज टाइप ऑफ क्लाइमेट In southern hemisphere, this kind of climate is experienced along the warm temperate eastern coastlands of all the three continents in New South Wales, Natal and Paranaprague Uruguay Basin. It is sometimes referred as Natal type. It is sometimes referred as Natal type. Okay. एक काम करते हैं, climatic regions of world की आज क्लास रख देता हूँ मैं शाम को ही, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे मैं क्लास रख देता हूँ। उसमें मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि डायग्राम्स बहुत अच्छे से हम ड्रॉ कर पाते हैं, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन इवनिंग क्लास? अगर मैं क्लास प्लान करता हूँ आज के लिए, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू, ज्वाइन कर पाओगे? क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड,
तो उसमें मैं प्रॉपर आपको नोट्स लिखवाऊंगा उसमें उस क्लास में. यस, टाइमिंग्स हम रख सकते हैं उसको 7:15 से लेके, दो पार्ट्स वाला करना पड़ेगा, 7:15 से लेके 8:15 तक कर लेंगे और फिर दूसरी क्लास 8:30 से 9:30 कर लेंगे, दो पार्ट्स में हो जाएगी वो, कर लेना इसको. ठीक है, मैं अभी क्लास शेड्यूल कर लूँगा, इस सेशन के बाद ही मैं क्लास शेड्यूल कर लूँगा. 7:15 पे पहली क्लास होगी और फिर 8:30 पे दूसरी क्लास होगी, तो दो पार्ट्स में हम क्लास को कर देंगे उसको. ओके, यस, टाइमिंग मैंने बताया ना कि ये जो लेक्चर होगा दो पार्ट्स में होगा, पहला लेक्चर होगा 7:15 PM पे, ठीक है, आपका हिंदू न्यूज एनालिसिस के बाद, और दूसरा सेशन हम रख देंगे 8:30 PM पे, सेम डे पे ही. ठीक है, और 10:30 पे आपका रेगुलर जो क्लास है वो होगी ही होगी यूट्यूब वाली. ये दोनों मैं रख देता हूँ अनअकैडमी ऐप पे. ओके, यस, तो ठीक है, मैं अभी इसको जो है शेड्यूल कर दूंगा क्लास को. अभी जैसे ये वाला सेशन खत्म होगा मैं क्लास शेड्यूल कर देता हूँ. ये एज द आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑन शोर ट्रेड विंड्स ऑल द ईयर राउंड विदाउट एनी मॉनसून वेरिएशन द क्लाइमेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज टेम्परेट मॉनसून. इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द VUI टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो. ओके, अब ये शायद या तो कोई फॉन्ट चेंज हो गया है, नहीं तो इस पर कुछ ऐसा अजीब सा नाम दिया यहाँ पे, इसको मैं चेक कर लूंगा. यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज टिपिफाइड बाय अ वार्म मॉइस्ट समर एंड अ कूल ड्राई विंटर. सेकंड, द मीन मंथली टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 40°F and 78°F and is strongly modified by maritime influence. Third, the warm temperate eastern margin climate supports a wide range of crops. So choose the correct code. Yes, choose the correct code. Option A, 1 and 2. Option B, 2 and 3, Option C, 1 and 3, and Option D, all of the above. Yes, Manvi, I will definitely try for this. I will definitely try for this also. Very good. So the correct answer is option D, all of the above. All of the above. So, rainfall is more than moderate, anything from 25 inches to 60 inches. Okay. Occasionally, the penetration of cold air from the continental interiors may bring down the temperature to freezing point. Though frosts are rare, they occasionally occur in the colder interiors. For most of the time, it is pleasantly warm. It is pleasantly warm. Yes, very good, Shirisha, Ashutosh, ब्रजेश, पल्लवी, नितेश, नितेश और मोहम्मद समीर. इसका आंसर ऑप्शन डी होगा. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो. यस, यस. So question number 5, consider the following statement. Number 1, the presence of abundant moisture has stimulated extensive cultivation of cotton and maize. Second, summer are brought by the onshore trade winds which swing landward from the Atlantic. So choose the correct code. Choose the correct code. Ab ho gaya buffering clear.
Now the buffering is clear now. Okay. So guys, classes ka thoda dhyan rakhna. Evening mein 6 baje. The Hindu News Analysis. जिसमें हम बेसिकली उसके MCQs हिंदू न्यूज़पेपर पे बेस्ड जो है वो करते हैं. देन वी विल बी हैविंग क्लास एट 7:15 अनअकैडमी ऐप पे. देन वी विल बी हैविंग अ क्लास एट 8:30 PM आल्सो. ओके, सो डोंट फॉरगेट दीज क्लासेस. दीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर यू. ओके, यस. सो क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. Yes, very good, Brijesh, Srishti, Ashutosh, Pallavi Sam, Sushil Kumar. ठीक है, तो correct answer is option C. Correct answer is option C. Okay, आगे move करते हैं. There is no distinct dry period as in monsoon lands, and the abundant moisture has stimulated extensive cultivation of cotton and maize. In the cotton and corn belt, both of which are the world's leading areas for these crops. Next, from the rainfall pattern, it is clear that there is a tendency towards a summer maximum brought by the onshore trade winds, which swing landwards from the Atlantic. Okay. Acha, ha. But I miss him. I miss him or her, jo bhi hai wo. एक्चुअली क्या होता क्या है कि ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं ऐसे यूट्यूब वगैरह पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रॉलर्स होते हैं. ठीक है, समटाइम्स दीज आर पेड ट्रॉलर्स आल्सो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशंस और फ्रॉम द कॉम्पिटिटर पर्सन. ओके, तो ये इंटेंशनली भी किया जाता है. ठीक है, बट आई हैव फेल्ट ने कि वो इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन वो काम ही बस यह कि ट्रोल करना है बस किसी तरीके से. ठीक है, ट्रोलर्स नहीं है, आई एम मिसिंग देम. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, इन द रीजन द अमाउंट ऑफ रेन इज इंक्रीज बाय द फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स इन समर एंड बाय हरिकेन्स इन सितंबर एंड अक्टूबर. सेकंड, वायलेंट टोर्नेडोज अकर्स ड्यू टू इंटेंस लोकल हीटिंग ऑन लैंड. यस, अदरवाइज आशुतोष आप बताओ ना कि जो है लोगों के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी किसी के लिए, और यहाँ पे लोग एकदम पूरा टाइम निकाल के आते हैं बेचारे, और कई बार तो एकदम इंटेंसली मतलब इंटेंशनली ढूंढते हैं लेक्चर का लिंक कहाँ पे और फिर उसको डिसलाइक करना. तो इट डजंट मैटर्स. ठीक है, उनसे बहुत कई गुना ज़्यादा मेरे जो है आप लोग हो जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हो नए कोर्सेज के लिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करने के लिए. यस, हाँ जी. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इन द रीजन द अमाउंट ऑफ रेन इज इंक्रीज्ड बाय द फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स इन समर एंड बाय हरिकेन्स इन सितंबर एंड अक्टूबर. देन वायलेंट टोर्नेडोज अकर ड्यू टू इंटेंस लोकल हीटिंग ऑन लैंड. सो चूज द करेक्ट कोड. तो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी. सम स्टेशंस एग्जाम्पल मॉन्टगोमरी इन अलबामा also shows a secondary maximum in late winter when cyclonic activities are greatest. Though these whirling storms follow only a narrow path in the central plain, they leave behind a trail of destruction. Okay. Yes, Brijesh, वही चीज बिल्कुल होता है. चलिए next पे आते हैं question number 7 पे. Let us come to question number 7. Please read this question or answer kariye. Secondary maximum kon log hai ki jab dobara se koi intense heating hui hogi, kisi koi intense low pressure dobara se develop hua hoga.
ठीक है यस बिल्कुल इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें नटाल की तो एरिया लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक्सपीरियंस नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ मैरिटाइम इन्फ्लुएंस एलिमिनेट द मॉनसूनल एलिमिनेट मॉनसूनल एलिमेंट्स बफरिंग हो रहा है नहीं ठीक हो गया कि नहीं हुआ है बफरिंग इज इट स्टिल बफरिंग सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन एरिया लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक्सपीरियंस इन नेटाइल टाइप ऑफ क्लाइमेट सेकेंड द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ मैरिटाइम इन्फ्लुएंस एलिमिनेट द मॉनसूनल एलिमेंट क्योंकि होता क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड मासिस है वो नैरो होते चले जाते हैं इस तरीके से ठीक है केप की फॉर्म में पेनिनसुला के फॉर्म में हो रहे हैं ट्राइंगुलर बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि क्योंकि नैरो है लैंड मास ज्यादा इसलिए यहाँ पर मॉनसूनल एलिमेंट खत्म हो जाता है ठीक है यस यस पल्लवी का क्या क्वेश्चन है जस्ट होल्ड ऑन लेट मी चेक द क्वेश्चंस अच्छा बफरिंग इसलिए हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर के चक्कर में ठीक है हो सकता है ओके पल्लवी क्या क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन पूछो अपना जस्ट राइट योर क्वेश्चन ब्रजेश ने पूछा अगर मैक्सिमम एरिया की बात होगी तो आंसर क्या होगा साउथ ऑफ कैप्रिकॉन और बिटवीन इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन देखो अगर हम मैक्सिमम एरिया की बात करेंगे तो बेसिकली साउथ ऑफ इक्वेटर नहीं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में ज्यादा एरिया में रहेगा साउथ ऑफ इक्वेटर में कंपैरेटिवली एरिया कम होगा इसका ओके जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ मैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या है बेसिकली कि अगर हम साउथ ऑफ इक्वेटर बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये कम है तो इसलिए इसमें नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है इसमें वेरिएशन मिलता है क्योंकि यहाँ पे मॉनसूनल एलिमेंट कम है लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम एरिया में मिलेगा ओके ठीक है पल्लवी क्लियर हो गया ये आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये शाम की क्लास के लिए रेडी रहना 7:15 पे और 8:30 पे क्योंकि ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और डिटेल में पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है तो इसके लिए रेडी रहना यस इसमें बोला गया द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट ठीक है द नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ मैरिटाइम इन्फ्लुएंस एलिमिनेट द मॉनसूनल एलिमेंट्स देखो नॉर्दर्न ये अर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लैंड मास है और जो सदर्न हेमिस्फीयर जो लैंड मास है वो है लेकिन कैसा है नैरो हो रहा है टेपरिंग ठीक है इस तरह से टेपरिंग हो रहा है तो क्या होता है ये वाला जो पोर्शन है ये कम वाइड है एज कम्पेयर टू दिस एरिया ये काफी ज्यादा वाइड है इसलिए ईस्टर्न साइड पे आसानी से यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट दिख जा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है काफी मॉडिफिकेशन दिखता है इस टाइप के क्लाइमेट में इसलिए यहाँ पे नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं नेटाल जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में ओके सो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का दैट विल बी आंसर सी That will be answer C. The narrowness of the continents and the dominance of maritime influence eliminate the monsoonal elements which characterize the corresponding climates of the northern hemisphere. Okay. चलिए अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं
consider the following statements. Number one, the annual amount of 48 inches is fairly representative of this climatic type in the southern hemisphere. Second, the passage of depressions across the southern edges of the warm temperate eastern margins results in a slight autumn or winter maximum. Yes. So choose the correct code. Choose the correct code. Question number 8. ये बेसिकली चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए जनरल है एकदम, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में सदर्न हेमिस्फीयर कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए उसको वहां पे नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं। ओके, बिल्कुल 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 ठीक है ब्रिजेश, आगे के एक्सरसाइजेज हम ऐसे ही रखेंगे, डोंट वरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पे मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ चीजें, ठीक है ना, मैंने आपको बार बार बोला है कि यहाँ पे हम लोग पहले चीजें सीख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है ही नहीं, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर बोथ 1 एंड 2। So the annual amount of 48 inches is fairly representative of this climatic type in the southern hemisphere. ठीक है, तो yes, ये southern hemisphere की बात कर रहे हैं, तो particularly नेटाल type ही हो गया, ठीक है, नेटाल type of climate, क्योंकि southern hemisphere बोला गया है। Second, the passage of depression occurs to the southern edges of the warm temperate eastern margins, which results in a slight autumn or winter maximum. So choose the correct code. Yes. ठीक है, सी ऑप्शन सब कम रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के लेवल्स अच्छे हो गए हैं, तो बिल्कुल द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ डरबन इन नेटाल इज 45 इंचेस एंड दैट ऑफ असुनशियन इन पराग इज 52 इंचेस। सिडनी हैज इट्स वेटेस्ट मंथ इन मार्च अप्रैल एंड मई जून एंड जुलाई द ऑटम विंटर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, मतलब मार्च और अप्रैल में सिडनी में एकदम वेटेस्ट मंथ रहता है और मई जून एंड जुलाई में यहाँ पे विंटर से स्टार्ट हो जाती है। ओके, यस, ठीक है गाइस, ओके ओके। हेलो साजिदा शेख, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द सदरली बस्टर आर वायलेंट कोल्ड विंड ब्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स लीड्स टू अ सडन फॉल इन टेम्परेचर। सेकेंड, द कॉरेस्पॉन्डिंग कोल्ड विंड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे इज द पॉम्पेरो। In the southeastern Africa, a hot dry wind called the bulge wind is blown. So choose the correct code. Choose the correct code.
Yes, very good. So its correct answer will be option D, all of the above. Okay, its correct answer will be option D, all of the above. Okay, so the southerly buster, a violent cold wind blowing along the coast of New South Wales, leads to a sudden fall in temperature. It is most frequent in spring and summer. The corresponding cold wind in Argentina and Uruguay is the Pampero. So same चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? और साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में एक हॉट ड्राई विंड जिसको बर्ज विंड भी बोलते हैं ब्लो करती है जो प्लेटू से नीचे उतरती है आके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स have a much heavier rainfall than either the western margin or the continental interiors. Second, the well-distributed rainfall all the year round makes the regions looks green at all times. Third, the lowlands carry both evergreen broad-leaved forests and deciduous trees. So, answer this question. यस, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड. तो ट्रैप तो कोई हो नहीं पाया. अब तो मैंने इनकरेक्ट वाला भी दिया है यहां पे, लेकिन ट्रैप नहीं हो पाया कोई. ठीक है, ट्रैप नहीं हो पाया कोई. तो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. अच्छा, कुछ एक दो बच्चे हो गए ट्रैप. Choose the incorrect code पूछा गया है. So they have asked choose the incorrect code. Statement 1, statement 2 and statement 3, all three statements are correct. So your answer will be option D, none of the above. Yes. बिल्कुल, very good. So the lowlands carry both evergreen broad-leaved forests and deciduous trees quite similar to those of the tropical monsoon forest. On the highlands are various species of conifers such as pines, cypresses, which are important softwoods. Okay, now let us come to question number 11. Consider the following statements. Number one, the Australian Alps of Victoria and the Blue Mountains of New South Wales have great reserves of temperate eucalyptus forest. Second, from the forests of southeastern Brazil, eastern Prague, northeastern Argentina comes valuable warm temperate timber such as the Parana pine and the Quebracho. Quebracho एक tree है, ठीक है? Quebracho एक tree है, इसकी bark से basically जो है कुछ malarial drugs बनाई जाती है, anti-malarial drugs बनाई जाती है इससे भी. Okay? Yes. So choose the correct code. Choose the correct code. Question number 11. Choose the correct code. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 and 2. Yes, ka answer hoga iska? Anji, bilkul. Very good. So your answer will be option C, both 1 and 2. Okay, both 1 and 2. So the Australian Alps of Victoria and the Blue Mountains of New South Wales have great reserves of temperate eucalyptus forest that make up part of the timber exports of Australia. Okay. चलिए आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. Consider the following statements.
स्टेटमेंट वन, इन नटाल द वार्म मोजम्बिक करंट एनकरेजेस हैवी प्रेसिपिटेशन अलोंग द कोस्ट एंड मैनी स्पीशीज ऑफ पैनी ट्रीज थ्राइव. सेकेंड है द फॉरेस्ट ऑफ चाइना एंड सदर्न जापान ऑल्सो हैव कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू एंड इंक्लूड ओक, कैम्फर, कैम्फर मतलब आपका कपूर जो होता है, कैमेलिया एंड मैग्नोलिया ट्रीज. सो चूज द करेक्ट कोड, चूज द करेक्ट कोड. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए सब लोग, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 12. यस, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 12. ओके गुड गाइस, सो यहां पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू. ओके, तो दिस विल बी योर आंसर, बोथ वन एंड टू. ओके, सो द हाईलैंड्स यील्ड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ चेस्टनट्स, आयरन वुड एंड ब्लैक वुड्स. एंड अनयूजुअल ऑक्यूपेशन इज द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ वॉटल ट्रीज इन प्लांटेशन फॉर टैनिंग एक्सट्रैक्ट. टैनिंग एक्सट्रैक्ट होता है, ये टैनिंग एसिड इसमें से निकलता है, और जो टैनिंग एसिड होता है ये बेसिकली स्मूथनिंग ऑफ लेदर, यानी जो लेदर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, स्मूथनिंग ऑफ लेदर. अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे चाय पीते हैं सब लोग, तो ऐसा बोलते हैं कि टी को पीने से हमें अचानक से हमारी सुस्ती क्यों दूर हो जाती है, जो लेजीनेस सी होती है चाय को पीने से लेजीनेस क्यों दूर हो जाती है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यस, बताओ जरा. बिल्कुल बिल्कुल गुरुचरण, बिल्कुल बिल्कुल, पाम ट्री जैसे ही होता है. यस, मुझे बताओ कि व्हाई पीपल प्रिफर टी. हॉस्टल्स पे तो दो ही चीजों का सहारा होता है, एक टी और दूसरा मैगी, राइट? तो व्हाई पीपल प्रिफर टी, राइट? यहां पे लिखा है पिट्स प्रॉप्स, द हाईलैंड यील्ड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ चेस्टनट, आयरन वुड एंड ब्लैक वुड्स. एंड अनयूजुअल ऑक्यूपेशन इज द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ वर्टल ट्रीज इन प्लांटेशन फॉर टैनिंग एक्सट्रैक्ट्स एंड फॉर यूज इन नेटल कोल माइंस एज पिट क्रॉप्स. ये बेसिकली जो गड्ढे होते हैं उन सब में इनको जो है कुछ भरने के लिए ऐसा कुछ यूज किया जाता है. ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. तो टी में से क्या होता है, जब टी को बॉइल करते तो उसमें से निकलता है कैफिन. तो जो कैफिन होता है ये तो हमारी लेजीनेस को दूर करता है. ओके, और अगर हम चाय को बहुत ज्यादा तक पकाएंगे, बहुत देर तक पकाएंगे, तो ये कैफीन कन्वर्ट हो जाएगा टैनिन एसिड में, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टैनिन एसिड. इसलिए ज्यादा पकी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बेसिकली ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स को, मेटाबॉलिक रेट को, सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, राइट? यस, कैफीन बेसिकली निकोटीन का ही एक दूसरा सोर्स हम कह सकते हैं. ओके, लेकिन टैनिन एसिड जब बन जाता है तो टैनिन एसिड बहुत खतरनाक चीज होती है, ये ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है. ओके, और ये टैनिन एसिड कहाँ यूज होता है, जो लेदर इंडस्ट्री होती है उसमें जो चमड़ा होता है, जो एक्चुअल जो रॉ चमड़ा होता है, जो रॉ लेदर होता है. ओके, वो रॉ लेदर जो है काफी ज्यादा, मतलब मान के चलिए हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उससे बेल्ट बनाने के लिए, उससे कोशूज बनाने के लिए, इसको जो टैनिन एसिड्स होते हैं उसमें इसको डिवो कर रखना पड़ता है. ओके, मुकुल, इसकी प्लेलिस्ट आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, द गल्फ स्टेट्स ऑफ यूएसए हैव लो लैंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. सेकेंड, द ट्रीज ग्रो क्लोज टूगेदर विद थिक अंडरग्रोथ एंड लीफी ब्रांचेस. थर्ड,
much of the forest cover has given way to the cultivation of subtropical crops like cotton, maize and fruits. So choose the correct code. Option A, 1 and 2, option B, 2 and 3, option C, 1 and 3, and option D, all of the above. So choose the correct code. Yes, question number 13 का आंसर बताओ. Yes, very good guys. So, zero statements. Statement 1, statement 2 and statement 3. All three statements are correct. Your answer will be option D. Your answer will be option D. Okay. सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है ना? चलिए आगे मूव करते हैं. वॉलनट, ओक, हिकरी एंड मैपल आर सम ऑफ द मोर कॉमन स्पीशीज व्हाइल इन द मोर सैंडी रीजंस दे ग्रो पाइन्स. तो सैंडी एरिया में पाइन्स ही ज्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है? सैंडी एरियाज में जो होता है पाइन ट्रीज को ही ज्यादा ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. Consider the following statements. Number one, the warm temperate eastern margins are the most productive parts of the middle latitudes. Second, winter is the busiest part of the farming year. Third, monsoon China together with southern Japan and other parts of the eastern margin of climatic zone accounts for almost a third of the world population. Bahut badhiya question hai. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है. ओके, yes, please answer this question. ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए गाइज मैंने एक सेशन प्लान कर लिया है. 4 अगस्त को हम लोग प्लान कर रहे हैं. ओके, 4 अगस्त के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं. ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा डिटेल में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने में फायदा रहेगा, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ने में फायदा रहेगा, ठीक है? और ऑप्शनल पे भी काफी ज्यादा जो है कंटेंट आपको डिलीवर करना चालू कर दूंगा. ओके, मतलब इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं कि मतलब मैं चाहता हूं कि आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है चीजें मिले. ओके, मुकुल, अगर आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है तो आप पहले बेटा एनसीईआरटी और जीसीएलई को खत्म कर लो ऑप्शनल के लिए भी, ठीक है? आपके पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद फिर हम एडवांस बुक्स पे आना स्टार्ट कर देंगे. ओके, यस. So, question number 14 पे आते हैं. It's okay, वर्षा. So, question number 14 का आंसर है ऑप्शन डी. इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल. तो डी ऑप्शन इसका होगा, नॉट सी. ओके, देखो विंटर ऑब्वियसली यहाँ पे फूड ग्रेन्स या कमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग की जा सकती है, तो विंटर्स भी हो इनके जो है काफी ज्यादा बिजिएस्ट रहते हैं. ओके, तो मेनली विंटर ही ज्यादा रहता है क्योंकि बारिश के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो इतना नहीं रहता है. ओके, यस, गुड मॉर्निंग अधु राजपूत. सो आंसर इज डी, देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल, नो प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट एंड द कोल्ड सीजन इज वार्म इनफ फॉर मोस्ट क्रॉप्स टू सर्वाइव. दस द
growing season is almost continuous, though summer is the busiest part of the farming year. Okay. अच्छा summer, summer is the busiest part. और यहाँ पे हमने कर दिया इसको winter. तो winter is the busiest part of the farming year. Yes, exactly. ये correct हो जाएगा. Summer ही होगा इसका answer. ठीक है. So यहाँ पर option A will be your answer then. Well, sorry, option C. Option C will be your answer. Okay. Yes, exactly. So option C will be your answer. Winter is the busiest part of the farming year. No, it's not. It is basically summer. So यहाँ पे भी हम इसको correct कर देंगे. It is basically option C. Right? Summer busiest होगा. रुद्रानी summer जो है busiest year होगा. जिनका भी option C था वो correct है basically. Okay? बिल्कुल, क्योंकि मॉनसूनल है तो ये बेसिकली राइस के लिए ही बेटर होगा. बिल्कुल. सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, द टेम्परेट मॉनसून लैंड्स आर द मोस्ट इंटेंसिवली टिल्टेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ. राइस, टी, इंटेंसिवली टिल्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. Rice, tea, and mulberries are extensively grown in monsoon China. Yes, choose जो भी है. ठीक है, देख लो इसको. Yes. क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा, अजीत रावत वन नहीं पता. ओके, बिल्कुल जी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. यहाँ पे बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी. इनकरेक्ट कोड पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट कोड. दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, अच्छा, अगर मैं नहीं बोलता तो सी लिख रहे थे. ओके, सो द हिल्स आर टेरेस्ड, फील्ड्स आर इरिगेटेड, एंड एग्रीकल्चर इज एक्सटेंडेड टू द लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन. Besides the widespread cultivation of maize and cotton in the corn and cotton belts of USA, fruit and tobacco are also grown. Sugar cane in Natal, coffee and maize in South America, and dairying in New South Wales and Victoria are important activities. A hint mil gaya tha aap logon ko usse, right? Chale, koi baat nahi. Kabhi kabhi ho jata hai, hint bhi dene padte hain. And जब क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स राइस इज ग्रोन इन चाइना. सेकेंड, फार्मिंग इज यूजुअली डन हियर ऑन अ सब्सिस्टेंस बेसिस. थर्ड, मॉनसून चाइना हैज ऑल द आइडियल कंडीशंस फॉर पैडी कल्टीवेशन. चूज द करेक्ट कोड. चूज द करेक्ट कोड. Choose the correct code. Yes, very good. वर्षा, इसका आंसर दोबारा से चेक करो आप.
सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. यस, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. द चाइनीज पीजेंट्स रेज वेट पैडी और स्वैम्प राइस इन फ्लडेड फील्ड्स दैट कॉल फॉर एंडलेस हार्ड लेबर फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर. Warm climate, moderately wet throughout the year, and extensively lowlands with fertile moisture retentive alluvial soil, which if necessary can be easily irrigated. हाँ तो यही तो बोला गया यहाँ पे भी. A third of the world's rice is grown in China. मतलब इतना बड़ा portion जो है world के पूरे world का rice का China में grow होता है. ये नहीं कह रहे कि China third rank पे आता है. नहीं, चाइना सब्सिस्टेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोडक्शन भले ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो खुद के खुद ही प्रोडक्ट मतलब कंज्यूम भी कर रहे हैं. ठीक है, वो खुद ही के खुद ही उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है. जितना भी आप मंगोलॉयड रेस वाले लोग देखोगे ना, तो ये सबसे ज्यादा इनका राइस का कंजम्पशन है. राइस, क्योंकि रॉ राइस भी खाएंगे, मतलब राइस को बॉयल करके फ्राई करके भी खाएंगे. ठीक है, और साथ के साथ नूडल्स वगैरह भी जो बनते हैं तो उसमें भी बेसिकली मैदा से ही नूडल्स बनते हैं. मैदा किससे बनेगा? राइस को पीस के बनेगा. ओके, तो इसलिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला होता है कि जहां पे लोग खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं. ओके, और इसमें फिर राइस की वाइन भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज होती है. तो इनका खुद की खपत बहुत ज्यादा है. ठीक है, इनकी खुद की खपत बहुत ज्यादा है, खुद का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट पर है क्वेश्चन नंबर 17 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, द मोस्ट इंटेंसिवली फार्म एरियाज आर द बेसिन्स ऑफ द सिक्यांग, यांग सिक्यांग एंड हुआंगहो, विच आर ऑल्सो द मोस्ट डेंसली पीपल्ड एरियाज. सेकेंड, एज द फ्लैट लैंड्स आर इनसफिशियंट फॉर राइस कल्टिवेशन, फार्मर्स मूव अप द हिल स्लोप्स एंड ग्रो पैडी ऑन टेरेस्ड अपलैंड्स. सो चूज द करेक्ट कोड, चूज द करेक्ट कोड. अच्छा, राइस एंड बैट्स. ओके फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए. चूज द करेक्ट कोड. ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन एंड टू. बिल्कुल चॉप्स. मैंने दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स को देखा है चाइनीज फूड ऑफर कर रहे हैं तो चॉप स्टिक्स दे रहे हैं. तो मैं कह रहा हूँ भाई इतना भी ज्यादा चाइनीज मत बनो. ठीक है, ठीक है, चाइनीज आइटम खा रहे हैं, टेस्टी लगता है चाइनीज फूड, ऐसी ऐसी बात नहीं है. टेस्टी तो होता ही है, स्वीट और सॉर टेस्ट होता है उसमें. लेकिन इसका ये थोड़ी ना कि एकदम पूरे ही चाइनीज बन जाओ कि पता चला डांडिया दे दी तुमने किसको खाओ. मैं क्या करें सर, डांडिया के लिए क्या करें. यस, सो क्वेश्चन नंबर 17, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू. द ईस्टर्न coastlands are equally important. The artificial terraces retain the excess water as it flows down the slope. As it flows down the slope. Okay. Next question पे आता है, question number 18 पे. Question number 18 पे आते हैं. Consider the following statements. Number one, agriculture in the Gulf states of America differs from that of monsoon China as lack of population pressure and the urge to export make rice cultivation a relatively unimportant occupation. The most important crops are corn, cotton and tobacco within Gulf states of America. Question number 18. Yes, choose the correct code.
ओके सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी है, दोनों चीजें हमने देख के पता कर लिया है, प्रॉपरली में दिख रहा है. ओके नहीं नहीं इट्स ऑप्शन सी होगा. ठीक है, राइस कल्टीवेशन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइस कल्टीवेशन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे ओट्स और ये सब बारले इन सब चीजों का कल्चर ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड्स वाला रीजन पड़ जाएगा ना, जो ये वाला रीजन है द गल्फ स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मॉनसून चाइना, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून चाइना जैसी है, लेकिन मेजर डोमिनेंस तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का वही होगा ना जो वहां पर सरकार अलाउ करती है, जिसके लिए सरकार प्रमोट कर रही है, जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए ये चीज यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट ये. ओके, राइस इज ग्रोन ओनली इन अ फ्यू एरियाज इन द साउदर्न कोस्ट लैंड्स ऑफ द मिसिसिपी डेल्टा. अमेरिकन्स आर ब्रेड ईटर्स, ठीक है, तो अमेरिकन्स आर ब्रेड ईटर्स एंड वन कैन वेल इमेजिन हाउ इनसिग्निफिकेंट इज राइस इन द इकोनॉमी ऑफ द गल्फ स्टेट्स. ठीक है, तो दे आर बेसिकली ब्रेड ईटर्स, तो इसलिए इनको जरूरत नहीं होती है इतनी ज्यादा करने की. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. नंबर वन, द ह्यूमिड एयर द सनी समर एंड द हैवी शॉवर्स सूट द कॉर्न और मेज. ओके, इट इज ग्रोन राइट फ्रॉम द गल्फ कोस्ट टू द मिड वेस्ट साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स. थर्ड, द रीजन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न. यस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 19. यस बिल्कुल. सो क्या पूछा गया, चूज द इनकरेक्ट कोड. यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द ह्यूमिड एयर इज द सनी समर एंड द हैवी शावर सूट द कॉर्न और मेज. सेकंड, इट इज ग्रोन राइट फ्रॉम द गल्फ कोस्ट टू द मिड वेस्ट साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स. और थर्ड, द रीजन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी. योर आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, हाँ ये सही कह रहे हो. अब क्वेश्चंस को थोड़ा और ट्विस्ट करूंगा मैं. इट इज ग्रोन राइट फ्रॉम द गल्फ कोस्ट टू द मिड वेस्ट साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द कॉर्न बेल्ट ऑफ नेब्रास्का आयोवा इंडियाना एंड ओहियो. द रीजन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न बट ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट. क्योंकि ये बेसिकली जो कॉर्न प्रोडक्शन होता है वो अपने ये एनिमल्स को खिलाते हैं. ठीक है, ये अपने एनिमल्स को बहुत ज्यादा खिलाते हैं, ये फॉर्डर के तरह यूज करते हैं अपने कैटल्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, सबके लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं आप जल्दी से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, द वार्म मॉइस्ट समर्स एंड फ्रॉस्ट फ्री विंटर्स इन नेटाल नॉट ओनली सपोर्ट मैनी क्रॉप्स बट ऑल्सो एनिमल्स. सेकेंड, इन द कोस्ट लैंड ऑफ नेटाल केन शुगर इज द डोमिनेंट क्रॉप followed by cotton and tobacco. So choose the correct code. Choose the correct code. Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither one and two. Question number 20.
option A one only, option B two only, option C both one and two, and option D neither one and two. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूछ रहा हूं मैं. यस वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. बोथ वन एंड टू. ओके. सो द वार्म मॉइस्ट समर्स एंड फ्रॉस्टी विंटर्स इन नेटाल नॉट ओनली सपोर्ट मैनी क्रॉप्स बट ऑल्सो एनिमल्स. In the coastlands of Natal, cane sugar is the dominant crop followed by cotton and tobacco. तो ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन जैसे यहाँ पे कंडीशन रहती है. तो बोथ वन एंड टू यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा. So recent expansion of these crops has come about with improved irrigation. Maize is extensively cultivated for use both as millet and important food item for Africans and silage and animal fodder for cattle rearing. Okay. So question number 21 पे आते हैं. Consider the following statements. Number one, in comparison with the maize yield of the corn, in comparison with the maize yield of the corn belt of USA, the African yield is high. In South America, where rainfall is less than 40 inches, there is much grasslands on which many cattle and sheep are kept for meat, wool, and hides. So choose the correct code. Choose the correct code. Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither one and two. Yes, please answer this question. Question number 21. Question number 21. Very nice, guys. देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. चूज द करेक्ट कोड पूछा गया है. कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए अफ्रीकन यील्ड इज हाई इज नॉट हाई. ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है. सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा. मतलब स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. ओके, यस बिल्कुल बिल्कुल. सो इन कंपैरिजन विद द मेज यील्ड ऑफ द कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए अफ्रीकन इज लो ऑफन ओनली हाफ. तो अफ्रीकन यील्ड जो है ओनली हाफ के बराबर ही रहे यूएसए के प्रोडक्शन के मुकाबले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, इन साउथ अमेरिका माइल्ड विंटर्स मींस दैट द एनिमल्स कैन बी केप्ट आउट ऑफ डोर्स ऑल द टाइम. सेकंड, देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्जेंटीनियन पंपास इन साउथ अमेरिका. ओके, चूज द करेक्ट कोड. ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन एंड टू. यस, अच्छा इस क्वेश्चन में नींद खुल गई. अच्छा ठीक है, आंसर दो. चलो अब इसका सो क्वेश्चन नंबर 22. यस, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन सी होगा. दिस विल बी द आंसर.
In South America, mild winters means that the animals can be kept out of doors all the time. बिल्कुल सही बात है ये. और इसके बाद there is a continuation of the Argentinian pampas in South America. बिल्कुल करेक्ट है ये बिल्कुल. And the mild winters means that the animals can be kept out of the doors all the time. The extensive natural pastures provide valuable forage for both cattle and sheep. Next question mein hai, question number 23. Consider the following statements. Number 1, in southern Brazil, the rainfall increases to more than 40 inches and forest gradually replaces grass. Second, in eastern Australia, the moist trade winds bring heavy rainfall to the coastal districts and these are thickly wooded. Choose the correct code. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 and 2. Yes, choose the correct code. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 and 2. Yes, very good. So the correct answer will be option C, both 1 and 2. Yes, correct answer will be option C, both 1 and 2. Okay, guys. So clear to everyone. So this is the last question. Okay. In southern Brazil, the important occupations are the cultivation of verba mate. एक चाय होती तरह की वर्बा में ठीक है परागवे टी से बोलते हैं एंड द लंबरिंग ऑफ अरोकेरिया और पराना पाइन कैटल एंड शीप्स आर रियर्ड एंड मेज एंड कॉर्न आर प्रोड्यूस्ड ओके चलिए गाइस सो आप दोबारा मिलते हैं 1 PM पे दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन नाउ सी यू अगेन एट 1 PM सेशन लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ 1 PM वाला ओके उसके लिए तैयार रहना तो ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब कल तक पूरी जीसी लियोंग के हम क्वेश्चन बेस्ड सीरीज खत्म कर देंगे ओके जीसी लियोंग की सारे सीरीज हमें कल तक खत्म कर देंगे ओके एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट पूछना है यहाँ पर ठीक है गाइस सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन एट 1:30 PM सॉरी 1 PM 1 PM आई सेड ठीक है शेड्यूल नोट कर लो आज का 1 PM पे अभी हम दोबारा मिलेंगे यूट्यूब पे और इसके बाद YTA यूट्यूब ठीक है फिर 6 PM पे हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अनअकैडमी ऐप पे मिलेंगे 6 PM पे देन इसके बाद हम मिलेंगे दोबारा 7:15 PM पे और 8:30 PM पे अनअकैडमी ऐप पे ही दो सेशन होंगे मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड चैप्टर में आज कराऊंगा आपको खुद जैसा मैं अपने एकदम रियल क्लासरूम प्रोग्राम में फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को कराता हूँ वही वाला पूरा कराऊंगा मैं मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स तो 7:15 PM पे और 8:30 PM पे एंड देन 10:30 PM पे हमारा रेगुलर सेशन जो यूट्यूब पे होता है रात वाला वो होगा ओके तो आज बहुत ज़्यादा क्लासेज है इसलिए टेक सम रेस्ट हैव योर लंच And be ready for 1 PM session now. Okay, guys, thank you very much. Bye bye. Take care.